नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं केपीपी। जिले के हरिगटनगंज ब्लॉक क्षेत्र के भावपुर गांव में कोरोना से 4 मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सभी मृतकों के गले में खराश और दर्द के साथ सांस लेने में दिक्कत और जुकाम बुखार की शिकायत थी। गांव में अभी दर्जनों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि गांव से सूचना आई थी, मौके के लिए स्वास्थ्य टीम भेज दी गई है। मौके पर पहुंचे हरिगटनगंज सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर डीएन द्विवेदी ने बताया कि भावपुर गांव में स्वास्थ्य टीम पहुंचकर जांच की जा रही है। गांव में 100 ग्रामीणों की जाँच हुई है, जिसमें 13 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उन्हें आइसोलेट किया गया है। बताया जा रहा है कि हरिगटनगंज ब्लॉक के ग्राम भावपुर में 19 मार्च से 27 मार्च तक महेश तिवारी उर्फ सोनू सिक्रेटी के यहाँ श्रीमद भागवत कथा का कार्यक्रम था, जिसमें इनकी बहन नीलम पत्नी सुभाष लखनऊ से आई थी, जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। इनके कॉन्टैक्ट से इनकी माता कलावती और बुआ विद्या देवी भी पॉजिटिव पाई गई, जिसमें कलावती 50 वर्षीय की 9 अप्रैल को मौत हो गई। इसके पहले 7 अप्रैल को रामकिशोर पासी की 48 वर्षीय पत्नी की भी गले में दर्द एवं जुखाम बुखार से मौत हो गई। विद्या का इलाज लखनऊ में चल रहा है। नीलम के भाई ललित की भी तबीयत ठीक नहीं है। सोनू की बेटी मांडवी 21 वर्षीय भी पॉजिटिव बताई जा रही है। चूंकि गांव में भंडारे में सभी लोगों का खानदान मौजूद था, जिससे पवन तिवारी 45 वर्षीय संक्रमित हुए और शनिवार की रात लगभग 8 बजे मौत हो गई। इसके पूर्व शनिवार को ही सुबह पुजराइन 50 वर्षीय पत्नी दिनेश तिवारी की भी मौत हो गई। भावपुर गांव में स्वास्थ्य टीमें पहुंची हैं। गांव वालों की कोविड-19 की जांच की जा रही है। अच्छा, 4 आए हैं तो सर, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, अब इन लोगों को जो है क्वारंटाइन में रखना, होम आइसोलेशन में रहें जी, और जो बीमार है उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अच्छा, जो बीमार है उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। लेकिन सर, इसी ग्राम पंचायत में लगभग 3-4 दिन के अंदर जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव से ही ये मामला हुआ हो? अब इसकी जांच हो रही है, जांच होगी, शाम तक रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा। और यहाँ के लोग एक ये ध्यान दें, नौजवान जो है तय कर ले जी, 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं जी, सबको टीका जरूर लग जाए, टीका से डरे नहीं, टीका इसका अच्छा बचाव है। और सब लोग मास्क लगाए रहें, और जैसे देखने में आ रहा है कि मास्क कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जी, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहें, घर में भी रहें जी, शौचालय का सब लोग इस्तेमाल करें जी, बाहर ना जाएं जी, और बच के रहें।